अच्छा यार, अपने सबको एक बात पता है कि BSE दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है, 1875 को एस्टैब्लिश हुआ और इसका एक इंडेक्स है सेंसेक्स, है ना। लेकिन आज हमारी चर्चा का विषय सेंसेक्स नहीं है यार, आज हमारी चर्चा का विषय है ग्रीनेक्स। सर ग्रीनेक्स क्या है बच्चे? ग्रीनेक्स आपके भारत का पहला ग्रीन इंडेक्स है, ठीक है ना, जिसे 2012 में BSE ने विद अ जॉइंट कोलेबोरेशन विद द IIM अहमदाबाद एस्टैब्लिश किया, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ग्रीनेक्स किससे कोरिलेट करती है टर्म, तो बता दीजिएगा स्टॉक मार्केट से। और ग्रीनेक्स किसका इंडेक्स है बता दीजिएगा, ग्रीनेक्स BSE का इंडेक्स है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, NSE का इंडेक्स नहीं है, ग्रीनेक्स BSE का बच्चन है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं बच्चे ग्रीनेक्स निकाला कैसे जाता है। बच्चे BSE 100 की ना जो टॉप 25 कंपनीज है ना उनको चुना जाता है। टॉप 25 कंपनीज को अलग अलग सेक्टर की कंपनीज होती हैं, कुछ स्टील सेक्टर है, पावर सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं इन कंपनीज में, मारुति है, टाटा मोटर्स, HDFC बैंक, ICICI बैंक, TCS है, ठीक है ना। इन सभी कंपनीज को ना जो टॉप 25 कंपनीज हैं इन सभी कंपनीज को तीन पैरामीटर पर स्कोर किया जाता है। सर पहला पैरामीटर कौन सा है? मिनिमम कार्बन एमिशंस। सही समझा कि कितना कार्बन इमिट करते हैं लोग, ठीक है ना, कितनी ये कार्बन, कितना ये कंपनीज कितना कार्बन इमिट करती हैं। दूसरा इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, और तीसरा पैरामीटर बच्चे इनका टर्नओवर। तो ये तीन पैरामीटर्स पर बच्चे इनको स्कोर किया जाता है। और सभी कंपनीज को जब स्कोर किया जाता है एक इंडेक्स निकाला जाता है जिसे हम बोलते हैं ग्रीन इंडेक्स, ठीक है ना। और यही है आपका बच्चे आज का टर्म, ग्रीन इंडेक्स क्या होता है। तो ध्यान रखना स्टॉक मार्केट टर्म है, किसका इंडेक्स है? BSE का, और इसके तीन पैरामीटर्स आपको ध्यान होने चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए भी के लिए बच्चे छोटे से यहाँ पर इस सीरीज में इतना ही, मिलते हैं किसी और टर्म के साथ अगले दिन। थैंक्स फॉर लिसनिंग मेरे जवानों।